नमस्कार दोस्तों, मैं ज्यादा जल्दी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अपनी जगह पर यथास्थान सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी कामना करता हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 6 एकम 2 एक जगह देख लो। वैसे जो एक जगह एक लोग है वो टाइटल से ही पता चल जाता है कि ये जो कविता है उसमें किसकी बात कही गई। तो देखते हैं, प्रकृति के तत्व हम सबके लिए, जो भी प्रकृति के तत्व, हवा है, पानी है, जो भी इस प्रकृति के तत्व है वो हम सबके लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है, समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। मैंने पहले बताया उसी प्रकार से किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं बरतना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो गई है, अपना खुद का सोच रहे सब लोग, लेकिन सभी का भी सोचना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के तत्व जो है वो हमें कोई भेदभाव नहीं दिखाते हैं। तो हम कहाँ खेत की मूली है, किस खेत की मूली है कि हम भेदभाव रखें। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता के ऊपर से उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। ये जो कविता है, ये जो काव्य है, वो एकता की बात कर रही है और राष्ट्रवाद, एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, ऐसी भावना सभी में विकसित हो, ऐसा इस काव्य में कहा गया है। आप चित्र देखेंगे तो चित्र से भी पता चलेगा सभी धर्मों के चिन्ह दिए गए हैं और सभी धर्मों के सार दिए थे, जियो और जीने दो। अब हम जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आप अपने पुस्तक अपने साथ रखिएगा, क्योंकि पुस्तक साथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्या क्या लिखा हुआ होता है। और मेरे साथ आप जब गाना गाएंगे, मैं गा रहा हूं तब आप साथ में सुनेंगे, बाद में दूसरी बार वीडियो देखकर आप गाने की कोशिश करेंगे। तो हम कविता सबसे पहले गा रहे हैं तो आपको सुनना है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक तरफ एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक हस्ती एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गुंज रहा, घर घर में गुंज रहा, घर घर में गुंज रहा निस्मिन्य मधुर। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक एक ही मान है, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो जिस प्रकार से मैंने एक कविता आपके सामने गाई है, उसी प्रकार आपको दूसरी बार ये वीडियो देखकर आपको भी गुनगुनाना है। तो उसका भाव देखते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, ये सारा संसार एक है, सभी का मान सम्मान होना चाहिए। एक जगत एक लोक, इस संसार में चाहे जाति पाति कोई भी हो लेकिन सबका मान होना चाहिए। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, जिस प्रकार से प्रकृति के जितने भी तत्व है उसमें कोई भेदभाव नहीं है, हमें प्रकाश भी हवा भी जो भी देते हैं वो समानता से देते हैं। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, सभी चंद्र एक है, सूर्य एक है, भूमि एक है, आसमान है, एक तेज है प्रकाश, तेज यानी प्रकाश, एक हवा, हवा भी एक है, एक पानी, पानी भी एक है, तो सभी एक है, तो हमें भी एक ही रहना चाहिए। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, जीवन जो है
सुख दुख की कहानी क्या है कि जीवन में कभी कभी सुख भी आता है और कभी कभी दुख भी आता है, तो उसी को हम जीवन बोलते हैं। एक देह एक रक्त, हमारा जो शरीर है वो सबका एक जैसा ही है और उसमें जो लहू बह रहा है वो भी एक जैसा है। एक अस्थि एक प्राण, हमारी हड्डिया अस्थि यानी हड्डिया, हड्डिया जो भी है एक जैसी है। हमारे अंदर जो जीव है जान है वो भी एक जैसी है। तो एक जगत एक लोग सबका है एक मान। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ ये है, जग यानी कि संसार, जग यानी कि संसार, लोक 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 जगत दुनिया, जगत दुनिया पची मान यानी कि सम्मान, भूमि यानी कि धरती, तेज यानी कि हवा, देह यानी कि शरीर, निश्चित यानी कि हर रोज, रक्त यानी कि लहू, रक्त यानी कि लहू, अस्थि यानी कि हड्डी, हड्डी हर्ष यानी आनंद। तो ये शब्द है। अब आगे देखते हैं, हर्ष भरे गाय हम राग सुहाने, हम आनंद में आकर आनंदित होकर हम सुमधुर सुहाने सुंदर राग गाए। क्षमता और ममता के गीत गाने, हमें समानता के गीत गाने, ममता भरे गीत गाने हैं। घर घर में गुंज राग, और ये समता, समता यानी समानता, ममता यानी जो प्रेम भाव है वही। तो समता और ममता के गीत गाने हमें गाने चाहिए। तो और ये जो गाने हैं वो घर घर में गुंजे, ऐसा हमें कुछ करना है। निश्चिनीय मधुर गान एक जगत, ये गाना, ये जो समता ममता के जो गीत है और निश्चित हर रोज के लिए सबके घरों में गुंजे, ऐसा हमें कुछ करना है। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में मतलब जो भी लोग रहते हैं वो एक रहे, अखंडता बनी रहे, ये हमारा कर्म है। कर्म यानी काम, हमारा काम है प्रगति न्याय मानवता धर्म होना, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले, मानवता सभी के साथ बढ़ती जाए, ये धर्म हमारा है। और ये सब होने के बाद हम सब हिल मिलकर रहे और विश्व शांति का जो निशान है, विश्व शांति हमारे बनी रहे और ये एक जगत एक लोक बना रहे, ऐसा हमें कुछ करना है। तो विश्व शांति का, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के रह रहे, हम सभी को साथ में चलना है, विश्व शांति का निशान और एक ही निशान बना रहे कि हम सब एक है। इसलिए कहा गया है एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यहाँ पर जो शब्दार्थ है मैं बाकी शब्दार्थ आपको बता रहा हूँ, प्राण यानी जीव, तराईना यानी जीव, प्रगति यानी उन्नति, एक यानी एकता, राग यानी स्वर और गान यानी गीत और चिन्ह। तो इस प्रकार आपको शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिखने हैं, ये कविता भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है अभ्यास। और जो दो नंबर है उनके स्वर में आपको परिवार के साथ पढ़ना है। प्रश्न तीन जो है जिस प्रकार उदाहरण में दिया है उसी प्रकार आपको लिखना है पुस्तक के अंदर। शब्द सारणी भी पुस्तक में आपको राउंड करना है क्योंकि यहाँ कुछ धार्मिक पुस्तकें दिए गए हैं। और स्वाध्याय आपको प्रश्न एक लिखना है, दूसरा भी लिखना है। दूसरे में आप पुस्तक के अंदर जो विलोम शब्द दिए गए, विरुद्धार्थ शब्द दिए गए वो लिखने हैं। और प्रश्न तीन उदाहरण के अनुसार समान क्लास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो ये जो उदाहरण के तौर पर लिखा है आना तो जाना, उसी प्रकार नीचे दिए गए जो शब्द है उनके समान क्लास वाले से नए शब्द लिखने हैं। तो निम्नलिखित बात दर्शन में काव्य पंक्तियाँ लिखिए, तो यहाँ आप काव्य में से देख कर ये पंक्तियाँ लिख सकते हैं। पांच नंबर में भी आपको पुस्तक के अंदर लिखना है।
छह नंबर में जो शब्द आपने सामान्य से ढूंढे हैं उसका उदाहरण के तौर पर आपको वाक्य बनाना है। प्रश्न सात जो है वो भी पुस्तक में लिखना है, और यहाँ पर कुछ भाषा से ज़्यादा दी गई है, जो विराम चिन्हों की बात कही गई है, तो पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम किस प्रकार से आता है वो आपको ध्यान से देखना है। मोहन ने पत्र लिखा, लिखा के बाद आया वो पूर्ण विराम है। अल्प विराम यानी कि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के संकेत के लिए किया जाता है, जैसे कि राम, राम के बाद आप देखो ये अल्प विराम है। उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह, तो किसी भी कोई भी व्यक्ति होता है उसके लिए कोई जानकारी होती है, तो जानकारी हासिल करने के लिए हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या तुम विद्यालय में गए थे, तो जो प्रश्न पूछा गया है उसके बाद जो निशान किया गया है वो प्रश्नवाक्य है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी कि आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि के बाद प्रयोग होता है, जैसे वाह, वाह के बाद जो दिया गया प्रश्न है विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, अरे के बाद दिया गया वो भी विस्मय बोधक, गुजराती में हम उद्गार चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि, तो सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। निर्देशक यानी कुछ बताने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बात को स्पष्ट करने के लिए होता, जैसे मोहन ने अपने मित्रों और बाद में निर्देश दिया राकेश आकाश अज्ञा से रुपये मांगे, तो ये चिन्ह जो दिया गया है मित्रों के बाद वो निर्देशक चिन्ह है। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, तो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे अध्ययन, अध्ययन का मतलब हमें समझ नहीं आता, तो अध्ययन यानी कि पढ़ना, तो कोष्टक में लिखा गया है। तो उसी प्रकार विरुद्धार्थी, तो विरुद्धार्थी का मतलब हमें पता चलता है काउंस में लिखा गया है, कोष्टक में लिखा गया है। विलोम अवतरण चिन्ह यानी कि अवतरण चिन्ह के कोई उपनाम हो, कोई पुस्तक हो, शीर्षक आदि के बीच जो होता है वो अवतरण चिन्ह है, जैसे समझदार नहीं, तो समझदार नहीं के आगे और पीछे जो किया गया है वो अवतरण चिन्ह है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, निराला के आजू बाजू जो किया गया है वो अवतरण चिन्ह है। ई खरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से जिस प्रकार दर्शाया गया उसी प्रकार से लिखने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह बताया जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, गांधी जी ने कहा है इसीलिए प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो ये जो दोहरा अवतरण चिन्ह है जो भी इंसान बोलता है वो मूल रूप से उसके अर्थ में लिखा जाता है, तो उसे दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान। अब आप प्रश्न प्रारंभ में वाक्य में उचित विराम चिन्ह आप अपने आप से लगाइएगा, चित्र में रंग भरिए, प्रकृति के बारे में अपने परिवार के साथ चर्चा कीजिए, और निम्नलिखित जो कविता है उसका अपने परिवार के साथ बैठकर गान करवाइए। थैंक यू। तो एक जगत एक लोग एकम, परिवार के साथ विश्व के साथ एकता और समानता से रहने का भाव व्यक्त करता है। थैंक यू।